तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और हम लोग खाना उना खा के पूरा रेडी हो गए हैं। और वो जो बैग लेके जा रहा है लैंडर, वो लाइब्रेरी जा रहा है पढ़ने के लिए शायद। अब वहाँ पढ़ेगा कि करेगा तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग चलते हैं सबको इसके साथ में छोड़ने के लिए। तो उसको बदमाश और बीच में पकड़ के मारता है। तो दोस्तों उसको छोड़ने के बाद आके रूम पे खाना वाना फिर से रात में खाए और सोए। तो अभी बज गए हैं सुबह के 6 और देखिए हम लोग क्या नाम है, लंडरा है एगो, ये जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। और सुबह में इसका 6 बजे ट्रेन था, ये सोए रह गया तो ट्रेन जिसके कारण लेट हो गया। तो इसको हम लोग ले जा रहे हैं सिटी रिक्शा से, वहाँ पर गाड़ी वाड़ी पर बैठा देंगे और फिर वो वहाँ से अकेले ही चल देगा। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, सुबह का व्यू कितना अच्छा है। तो ये दोस्तों उसको छोड़ने के बाद फिर हम लोग उधर से आ रहे हैं। देखिए मेरे साथ एक बाइक है पीछा में, ये खड़ा है जा रहा है। तो उसके साथ हम लोग जा रहे हैं अब रूम पर उसको छोड़ने के बाद। तो दोस्तों जाते जाते रूम पे हो गया शाम और देखिए हम लोग फिर से आ गए हैं, किधर न जा रहे हैं तो याद नहीं है, काहे कि 4 रोज का वीडियो है उसको बना रहे हैं तो भूल गए होंगे ना कहाँ जा रहे थे। तो दोस्तों अचानक याद आया, आगे मुझे बोतल देखे तो हम लोग जा रहे थे पानी लाने के लिए शुद्ध पेयजल। और कल शायद सोमवार ही है तो उसके लिए तो शुद्ध पेयजल का जरूरी है ना बाबा के लिए, तो उस पर तो नहीं चढ़ाएंगे लेकिन अपने पियेंगे। तो इसके लिए देखिए फिर से दोस्तों हो गया है दूसरा दिन, नहीं आज रविवार है। तो सुबह को हम लोग फिर से जा रहे हैं कहीं पर, शायद मार्केट जा रहे हैं। और पीछे में लाइब्रेरी का जो लौंडा है ये देख रहे हैं मोबाइल चला रहा है। तो दोस्तों उस रोज़ हो गया था शाम, फिर खाना वाना खा के सब लोग सो गए थे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो आज है सोमवार, भगवान शिव का दिन है। तो देखिए सब वहाँ पर पूजा करने के लिए जाने के लिए, यहाँ पर सब रहुआ सब जो है सब नहा रहे हैं पूरा कपड़ा वपड़ा खाए खोल के। और एक ये देखिए बगल में, ये तो शायद मेरा बेटा लगेगा, अभी तक ये ब्रश कर रहा है। हम ब्रश ब्रश करके पूरा कपड़ा वपड़ा खोल के हम भी तैयार है, लाइन में लगे हैं कि कब मेरा बारी आए तो हम भी स्नान करें। दोस्तों तब तक स्नान उस्नान करके हम लोग पूरा हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और वहाँ से निकाले अंदर से गाड़ी, उस पर बैठ गए हैं 4 रुपये। वहाँ पर बैठने के बाद फिर एगो लाइब्रेरी में जो लड़का रहता है वो चल दिया है, गाड़ी चला रहा है। और हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं गाड़ी पर जा रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे अपने तिलेश्वर धाम, जो बाबा का धाम है, वहाँ पर पूजा उजा करके तब फिर होगा तो कहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग चल दिया है पूरा मार्केट में। देखिए कैसे जा रहे हैं हम लोग गाड़ी से। दोस्तों ये लोग साइड में देख रहे हैं आप, ये BSS कॉलेज है सुपौल का। आगे में देखिए उसके साइड में कितना अच्छा गाछ वृक्ष का व्यू है। और आगे में दोस्तों गायत्री मंदिर था, उसको कट नहीं किए लेकिन कट हो गया पता नहीं चला। तो हम लोग जा रहे हैं साइड में और बगल में देख रहे हैं ये मेरा कॉलेज है। और देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, कितना वृक्ष वृक्ष लगा हुआ है। ये ट्रक वाला आया ठोक दिया लेकिन नहीं ठुकाए हम लोग। आगे में सिटी रिक्शा जा रहा है, सब पे फास्टिंग वास्टिंग जो किया है ना, सब तो पूजा वूजा करने के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है तो कोई पूजा करने जा रहा है। दोस्तों इसी बीच हम लोग पहुंच गए हैं आधे रास्ते, जिसको बोलते हैं हम लोग लोहिया नगर चौक। तो तब तक के लिए हम जा रहे हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा दूर जा रहे हैं और होगा तो थोड़ा दूर जाएंगे, कहा है कि अभी तो बहुत दूर है, लगभग 20-22 किलोमीटर है यहाँ से। तो देखिए कितना अच्छा वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव सुपौल, वहाँ पर पानी नहीं होता है, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं वहीं पर, वहाँ पर वो लगा हुआ है। और देखिए सब लोग जा रहे हैं। तो हे गाइस हम लोग आया पहुंचने वाले लगभग नज़दीक ही, उसके नज़दीक आ गए हैं। वहाँ पर आगे में जब पहुंच गए थे तो वहाँ से गाड़ी जाना अंदर मना था, जिसके लिए हम लोग को लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और पैदल चलने में सुबह सुबह इतना मज़ा आया कि हम लोग ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग सीधा बाबा धाम पहुँच गए हैं। और दोस्तों वहाँ पर देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। हमको वीडियो बनाने का जगह नहीं मिल रहा था इसलिए हम साइड में खड़ा होकर के वीडियो बना रहे थे। देखिए साइड में कितना व्यू है, बहुत मतलब भीड़, यहाँ पर भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए थे। तब तक के लिए हम आप लोग को अंदर ले जाते हैं, तो अंदर का व्यू देखिए कैसा है, भोले बाबा का दर्शन आप लोग ऑनलाइन ही कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों शायद अंदर जाना मना है कैमरा लेकर के, फिर भी हम ज़बरदस्ती करते हैं।
अंदर घुसाए कैमरा को और देखिए वहाँ पर आप लोग के लिए हम कैमरा को अंदर किए, नहीं तो कैमरा का अंदर करने का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला देखिए वो देख रहा है, वो बोल रहा है वीडियो बंद करो, तो इसीलिए हम कैमरा को साइड से हल्का धीरे निकाल लिए। और देखिए यहाँ पर है मेन गेट अंदर घुसने का, तो यहाँ पर देखिए कितना कहाँ तक लाइन लगा हुआ है, वहाँ तक लाइन लगा हुआ है सब पूजा करने वाला का। सब बारी बारी से तो नहीं आता है, एक बार के धक्का मुक्की करके घुस जाता है अंदर। और देखिए कितना सब भक्तगण संतगण सब यहाँ पर पहुँचे हुआ है पूजा करने के लिए। और सावन का महीना चल रहा है तो बाबा का धाम थोड़ा डेकोरेट हुआ है, सजा हुआ है, पूरा सजावट वजावट अच्छा से किया है, साइड साइड में झूला वूला भी लगा हुआ है बच्चा उच्चा के लिए। मेला तो नहीं लगा हुआ है लेकिन झूला लगा हुआ है, तो झूला पर हम गए झूलने के लिए। वो जो है ना झूला है बत्ते, वो हमारे झूल दिया, तो वहाँ पर से हम भाई काब गया। यहाँ पर देखिए जा रहे हैं, अब होगा तो यहाँ से जाएंगे, काहे कि यहाँ पर बहुत देर टाइम दे दिए, इतना टाइम तो नहीं देना चाहिए, काहे कि इतना भीड़ लगेगा तो और दूसरा आदमी भी पूजा करने के लिए आएगा तो वो कैसे करेगा। यही या देखिए गुररवा ही यही यही या देख लिया उसको, वो पता ना फ़ोन पे कहाँ लगा था नहीं लगा था। और ये देखिए क्या है, कुछ होना है। तो वहाँ पर आने के बाद बीच में हम लोग को मिला डीजे, तो डीजे पर से उतर गए और वहाँ पर से पैदल तो नहीं गए लेकिन गाड़िए से गए। तो देखिए डीजे तो हम लोग से बहुत ही आगा है, बहुत ही आगारी है, डीजे का साउंड तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब में थोड़ा उसका प्राइवेसी होता है ना, जिस कारण वीडियो में थोड़ा परेशानी आ जाएगा, इसीलिए गाना का साउंड थोड़ा कम कर, थोड़ा ना बहुत ही कम कर दिए। अगर हम देखिए जो संतगण है, संतगण गाड़ी पे कैसे डांस कर रहे हैं, ये देखिए हैं ये डांस कर रहे थे, तो साइड से हम लोग गाड़ी निकाल के भाग गए, नहीं तो हमको भी डांस करने का मन कर देता, इसीलिए साइड से गाड़ी निकालते हुए वो अगला गाड़ी में जाके ठोक दिया। गाड़ी में ठोकने के बाद फिर वहाँ से निकल गए, तो और साइड होकर के हम लोग देखिए जा रहे हैं कैसे संतगण का भीड़ लगा हुआ यहाँ पर श्रद्धालुओं का। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब जाएंगे धरारा, तो दोस्तों सीधे हम लोग पहुँच गए वहाँ से, डायरेक्ट हम लोग का कनेक्शन हो गया धरारा गणपतगंज में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फूल वूल खरीद रहे हैं पूजा करने के लिए, लेकिन भीड़ बहुत देखा, कितना भीड़ है यहाँ पर, लगता है मिलियनों ट्रिलियनों में यहाँ पर लोग आया हुआ है। यहाँ पर तो मेला वैसे लगा हुआ ही रहता है, तब वो यहाँ पर आज कुछ मतलब